ऐसा नहीं होता, जहां कोई ऊंच नीच नहीं होता। हम लोगों ने अपना घर बदल लिया। 1936 में अंग्रेजों ने देखा कि ये मुस्लिम समाज के लोग, ये दलित समाज के लोग मुसलमान क्यों हो रहे हैं, और पूछा। उन्होंने कहा कि यहां पर हिंदू समाज में दलितों और आदिवासियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, ये दोनों व्यवहार हो रहा है, इनको बराबर शोषित किया जा रहा है, इनका शोषण हो रहा है, इसलिए हम लोग अब शोषित नहीं होंगे। सूख और जातिवाद तमाम इसी को स्थान से दूर रहना चाहते हैं, और हम लोग इस्लाम कबूल कर लिए। 1936 में अंग्रेजों ने हमें भी हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ देना शुरू कर दिया। 1936 से 1950 तक हमको भी दलितों बराबर आरक्षण का लाभ मिलता था, पिछड़े मुसलमानों को भी। लेकिन जैसे देश आजाद हुआ 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों ने साजिश के तहत हमारे साथ भी खिलवाड़ कर दिया, जहां पर हम ब्रह्मवादी व्यवस्था तमाम ऐसी व्यवस्थाओं में हम सटे हुए थे। हम जब यहां पर मुसलमान हुए, यहां पर भी ऐसी व्यवस्था थी, यहां पर ऊंची जाति के मुसलमानों ने भी हिंदू ब्राह्मण ठाकुर का हमारे साथ ऊंची जाति मुसलमानों को ही व्यवहार किया, और हम भी शिकार हो गए थे दोस्तों। आज हम लोग एक कहें कि मंदिर के एक राह में चलने वाले लोग हैं, मुसाफिर है, और रास्ता दिखाने वाले तक हमारे बीच में अभी तक कोई नहीं था। एक तक जिसको अल्लाह ताला ने, जिसको भगवान ने हमारे बीच पैदा कर दिया, वो राजगोपाल राजा जी के रूप में पैदा किया। हमारे साथी अली मंसूरी साहब जो मध्य प्रदेश के ताल्लुक रखते हैं, वहीं से हमारे बीच में महबूब नारी साहब हैं, शकील साहब हैं, ऐसे तमाम साथी हैं जो आपके दर्द को महसूस करते हैं और आपके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं।